और रेसिपीज़ को देखने के लिए किरण डायरीज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन और अपडेट सबसे पहले मिल पाए। थैंक यू। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे बूंदी के लड्डू, और ये लड्डू खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। पूजा प्रसाद में बनाया जाता है। ये लड्डू बनाने का जो सबसे मेन पार्ट होता है वो होता है बूंदी बनाना। ना ही ज़्यादा मोटी बूंदी होनी चाहिए, एकदम क्रिस्पी बूंदी बनानी है हमें, और इसके लिए चाशनी भी एकदम परफेक्ट बननी चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ये रेसिपी। सबसे पहले हम बूंदी बनाएंगे, जिसके लिए एक बाउल में मैंने लिया है 1 कप बेसन। इसको मैंने छान लिया है और इसी में मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा फूड कलर, जो कि मैं येलो फूड कलर का यूज़ कर रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। फिर मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम एक बैटर तैयार करेंगे। तो पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, तो अच्छे से बेसन को हमें फेंटना है ताकि इसमें कोई लम्ब्स ना रह जाए। तो हमें बिल्कुल इसको पोरिंग कंसिस्ट अच्छे से फेंटना है बैटर को। तो ये देखिए, इस तरीके से आपको बैटर बनाना है। इतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बूंदी बनाने के लिए, ना ही ज़्यादा थिक और ना ही ज़्यादा पतला बैटर होना चाहिए बेसन का। और इसको मैं करीब 1 मिनट तक अच्छे से फेंट लूँगी ताकि जो हमारी बूंदी है वो फूली बने। इसको ढककर मैं करीब 15 मिनट के लिए रख दूंगी। तब तक चलिए चाशनी बनाते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए एक पैन में मैं लूंगी करीब 1 कप चीनी। आप इससे थोड़ा ज़्यादा चीनी भी ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा मीठा बनाना हो तो। और इसमें मैं ऐड करूंगी 1 कप पानी। तो चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाने देते हैं, चीनी को हम डिज़ोल्व होने देते हैं। तो इसकी चाशनी हमें एक तार वाली चाशनी बनानी है, एकदम स्टिकी चाशनी होनी चाहिए। तो इसी बीच में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़े से इलायची के दाने। तो आप चाहें तो यहाँ पे इलायची पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे मिक्स कर लेते हैं और चीनी को डिज़ोल्व होने देते हैं। तो चाशनी में देखिए बॉयल आ चुका है, एक बार हम चेक कर लेते हैं उंगलियों के बीच में रख कर। अगर उंगलियाँ चिपक रही हैं तो दैट मीन्स चाशनी रेडी है, अदरवाइज़ आप इसे और कुक करें। तो यहाँ पर ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है चाशनी। अभी हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। तो चलिए अब बूंदी बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मैंने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया है। बैटर को थोड़ा हम चला लेते हैं एक बार स्पून से। तो बूंदी बनाने के लिए तेल को सबसे पहले अच्छे से गरम करना है। आप चाहें तो देसी घी में भी इसको बना सकते हैं। तो तेल अच्छे से गरम हो चुका है, यहाँ पर मैं इससे बूंदी बनाऊंगी, जो कि पूरी छानने वाला लैडल है। अगर आपके पास बूंदी छानने वाला लैडल है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले 1 बड़ा स्पून मैं बैटर डालूंगी इसके ऊपर, और इस तरीके से मैं कढ़ाई में इसको घुमाते हुए हम बूंदी छानेंगे। तो गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है। इसको इस तरीके से बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे ताकि जो हमारी बूंदी है एकदम क्रिस्पी बने। तो बीच बीच में हम इसे स्टर करते रहेंगे। इसको हमें ज़्यादा देर तक तेल में नहीं रखना है, अदरवाइज़ ये जल भी जाएंगे। तो इसलिए मैं इसको निकाल देती हूँ थोड़ा क्रिस्पी होने तक, और बाकी की बूंदी भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो जैसे मैंने बताया था, लैडल के ऊपर 1 बड़ा स्पून बैटर रखकर हम इसको इस तरीके से घुमाते हुए बूंदी को छानेंगे। चलाते रहेंगे इसे। तो ये बूंदी देखिए एकदम क्रिस्पी हो गई है, इसको हम जितना चलाएंगे उतना ये क्रिस्पी होगा।
और इसको हम चलिए अब निकाल लेते हैं। तो जितने आपको लड्डू बनाने हो उसके हिसाब से आप बूंदी बनाएं। ये देखिए बूंदी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। इसको हम एक बड़े से बाउल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसके बाद इसमें हम चाशनी मिलाएंगे और इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो चाशनी में इसको हम करीब 5 मिनट के लिए रखेंगे ताकि जो हमारी बूंदी हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। तक हम एक पैन में 1 टेबलस्पून देसी घी को मेल्ट करेंगे और इसमें हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पर मैं किशमिश और काजू का यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। हल्का फ्राई करना है और साथ में ही मैं इसमें डालूँगी 4 से 5 लौंग। लौंग का टेस्ट बहुत अच्छा आता है बूंदी के लड्डू में, तो आप ये ज़रूर डालें। हल्का फ्राई कर लेते हैं इसे। देखिए हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। इसके बाद अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देते हैं जो हमने फ्राई करके रखे थे। और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कर लीजिए पानी या देसी घी से और फिर जितने बड़े आपको लड्डू बनाने हैं, बड़े छोटे, उसके हिसाब से आप बूंदी लेकर हाथों के बीच में इसको प्रेस करते हुए इस तरीके से गोल लड्डू बना लीजिए। ये देखिए, तो सारे लड्डू को हम इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। हाथों के बीच में इसको थोड़ा सा प्रेस करना है इसे और फिर इसको गोल शेप में बनाने हैं हमें सारे लड्डू। तो बाकी के लड्डू मैं इसी तरीके से तैयार कर लेती हूँ। अगर आप एक्सपर्ट हैं लड्डू बनाने में तो आप इसे एक हाथ से ही बना सकते हैं ऐसे। और ये हमारे बूंदी के लड्डू बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। थोड़ी देर हम इसे रूम टेम्परेचर पर रहने देंगे ताकि जो इसकी बाइंडिंग है वो अच्छी हो जाए। तो करीब 30 से 40 मिनट्स के लिए इसे रहने दिए, फिर आप इसे खा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और रेसिपीज़ के लिए। तो मैं फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।